कहानी गणेश चतुर्थी का जादू पहला भाग। गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस साल गांव के सबसे गरीब परिवार यादव जी के घर में त्योहार की तैयारी में कोई भी उत्साह नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वे भगवान गणेश के लिए कोई बड़े भव्य पंडाल या सजावट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा भाग। एक दिन यादव जी के छोटे बेटे मोहन ने सोचा कि गणेश चतुर्थी को खास कैसे बनाया जा सकता है। उसने गांव के दोस्तों को एकत्र किया और सभी ने मिलकर तय किया कि वे घर की छोटी सी पेंटिंग और सजावट करेंगे और भगवान गणेश की पूजा बड़े श्रद्धा से करेंगे। तीसरा भाग। गणेश चतुर्थी के दिन यादव जी के घर में एक साधारण लेकिन सुंदर पंडाल सजाया गया। गांव वालों ने पंडाल की सुंदरता और भव्यता देखकर तारीफ की। मोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर पूजा की और गांव के लोगों को भी पूजा में शामिल किया। चौथा भाग। पूजा के दौरान मोहन ने भगवान गणेश से एक विशेष प्रार्थना की। हे गणेश जी, कृपया इस गरीब परिवार की मदद करें। उसी समय गांव के अमीर व्यापारी हरिहर जी ने मंदिर से लौटते समय यादव जी के घर के बाहर एक बड़ा गहना और कुछ पैसे देखे। पांचवा भाग। हरिहर जी ने यादव जी के परिवार को देखा और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने उनके घर के पंडाल को और भी सुंदर बनाया और उन्हें जरूरी सामान और धन प्रदान किया। अंत। गणेश चतुर्थी की पूजा के बाद यादव जी का परिवार खुशी से झूम उठा। उनके घर में अब खुशहाली और समृद्धि की शुरुआत हो गई थी। मोहन और उसके दोस्तों ने समझा कि सच्चे मन से की गई पूजा और समर्पण हमेशा भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। गांव में इस घटना को एक उदाहरण के रूप में देखा गया और गणेश चतुर्थी के त्योहार को अब न सिर्फ भव्यता बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक मान लिया गया। नैतिकता। सच्चे मन से की गई पूजा और समर्पण हमेशा फलदायी होती है। श्रद्धा और दया के माध्यम से जीवन में खुशियां और समृद्धि आ सकती है।